भारत के वो सारे ऑपरेशन जिसमें भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना के पराक्रम के हमने कई किस्से सुने हैं। भारतीय सेना ने हर नाजुक मौके पर देश की रक्षा की है। इसके लिए उसने तमाम बड़े ऑपरेशन चलाए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम रहे हैं। भारतीय सेना के ऐसे ही वीरता से भरे ऑपरेशनों के रहे हैं। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 कोलन भारत देश अपनी आजादी के साथ ही दो देशों के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। पर हैदराबाद जैसी रियासत ने भारत या पाकिस्तान से अलग होने का सपना देखा, जिसे भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में नष्ट कर दिया। इसके लिए भारतीय सेना को ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने 36,000 सैनिकों के साथ हैदराबाद पर धावा बोल दिया। इस हमले में 32 भारतीय जवान शहीद हुए तो हैदराबाद के नवाब की सेना के 490 सैनिक मारे गए। इसके तुरंत बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ऑपरेशन 31 नवंबर 1988 कोलन भारतीय सेना ने देश ही नहीं विदेश में भी अपना जौहर दिखाया है। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना ने मालदीव में शांति स्थापित की। इस ऑपरेशन के तहत मालदीव के राष्ट्रपति की अपील पर विद्रोहियों को मार्च गिराया और अधिकतर को जिंदा पकड़ लिया। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना के 16,000 जनाओं ने मालदीव की रक्षा की। ऑपरेशन मेघदूत अप्रैल 1984 कोलन सियाचिन की पहाड़ियों पर से पाकिस्तान के कब्जे को हटाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ये दुनिया में सबसे ऊंची जगह की सैन्य तैनाती वाली जगह है। सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत का पुनः कब्जा हो गया। इस अभियान के बाद से सियाचिन पर हमारी फौज डटी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने यहां कम से कम 3 बार कब्जे में लेने की कोशिश की, पर भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन मेघदूत के बाद सियाचिन पर कब्जे के लिए 2 बार प्रयास किए। पहला प्रयास 1987 में किया तो दूसरा प्रयास 1989 में, पर दोनों ही बार उसे मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नवंबर 2008 कोलन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो मुंबई पर हुए 26/11 हमले को नाकाम करने के लिए चलाया गया। 26/11 में मुंबई पर एक साथ 12 जगहों पर आतंकियों ने हमला कर काफी जन धन की हानि की। भारतीय सुरक्षा बलों खासकर एनएसजी कमांडो और मार्कोस दस्ते ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सभी आतंकियों को मार्च गिराया और कई जगहों पर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया। मुंबई पर 26/11 हमला लश्कर ने कराया था। इस हमले के दौरान सबसे भीषण गोलीबारी होटल ताज में हुई, जहां आतंकी छिप छिप कर फायरिंग करते रहे और कई बंधकों को भी मार दिया। एनएसजी दस्ता सभी आतंकियों को मारने के लिए ताज की छत पर उतरा और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन विजय मई 1999 कोलन भारतीय सेना ने कारगिल घुसपैठ के समय जो बहादुरी दिखाई वो काबिले तारीफ है। एक तरफ ऊंची पहाड़ियों पर बैठा दुश्मन हर तरह से मुस्तैद था तो उनके आगे हमारे जवान मैदानी इलाकों से लड़ते रहे। ऑपरेशन विजय को सफल बनाने के लिए भारतीय सेना की 5 इंफेंट्री डिवीजन तैनात की गई तो 5 ब्रिगेड अलग सेना भी। ऑपरेशन विजय में 44 बटालियन अर्धसैनिक बलों के तैनात थे तो 60 लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन विजय आजाद भारत के सबसे चतुर युद्धों में से गिना जाता है। इस ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा, अनुज नायर, मनोज पांडे जैसे जांबाजों ने असंभव काम को संभव कर दिखाया था। ऑपरेशन पराक्रम दिसंबर 2001 कोलन भारत पाक की आजादी के बाद सबसे बड़ा युद्ध संकट 2001-02 के दौरान हुआ। ये युद्ध संकट क्यूबन मिसाइल संकट से कम न था। इस दौरान भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार तक पहुँच चुके थे। ऑपरेशन पराक्रम के तहत सेनाओं को सीमा पर भेज दिया गया। हालत कुछ ऐसे थे कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता था। ये ऑपरेशन 7 माह तक चला और रुक रुक कर दोनों ही तरफ से कई टैक्टिकल मुठभेड़ हुई।